नमस्कार। ये वीडियो ट्यूटोरियल हमारे नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर शॉर्टकट के बारे में है। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर फ्री है और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप 64-बिट विंडोज इंस्टॉलर ही डाउनलोड करें। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर को इस तरीके से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें। अब ऑल प्रोग्राम्स में जाकर सॉफ्टवेयर को ओपन करें। जब आप शॉर्टकट पहली बार ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है वीडियो एडिट करने के लिए। हमें अपने एडिटिंग विंडोज लाने के लिए कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। हमें ये सेटिंग्स बस एक ही बारी करनी है। इसके बाद आप जब भी शॉर्टकट खोलेंगे तो ये इन्हीं सेटिंग्स के साथ खुलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जाकर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में हम थीम में जाकर सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। अब हम अपनी प्लेलिस्ट विंडो खोलेंगे। प्लेलिस्ट विंडो खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है टूल बार में, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट का जो साइन देख सकते हैं इस पर क्लिक करें। दूसरा तरीका है व्यू ड्रॉप डाउन में जाकर प्लेलिस्ट के निशान पर क्लिक करें। टाइमलाइन विंडो लाने के लिए भी हम इन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। टूल बार में जाकर टाइमलाइन के निशान पर क्लिक करेंगे या फिर व्यू ड्रॉप डाउन में जाकर टाइमलाइन के निशान पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी टाइमलाइन आ जाएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन विंडोज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो छोटे बॉक्सेस हैं, इस पर क्लिक करने पर आपकी विंडो बाहर आ जाएगी और आप इसे इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इस तरह से भी अपने विंडोज को समायोजित कर सकते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है वीडियो एडिट करने के लिए। अब हम अपने वीडियो क्लिप्स को प्लेलिस्ट में लेकर आएंगे। अपना रॉ फुटेज प्लेलिस्ट विंडो में लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने रॉ फुटेज के फोल्डर में जाकर सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करें और इस तरह से अपने क्लिप्स को खींच कर शॉर्टकट के प्लेलिस्ट विंडो में ले आइए। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप ओपन फाइल का एक निशान देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने रॉ फुटेज फोल्डर से सारे क्लिप्स को सिलेक्ट करें और अब ओपन पर क्लिक करें। इस तरह से आपके सारे वीडियो क्लिप्स प्लेलिस्ट की विंडो में आ जाएंगे। जो वीडियो क्लिप आपको नहीं चाहिए वो आप अपने प्लेलिस्ट विंडो से हटा भी सकते हैं। आपको अपनी वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक करना है और रिमूव के निशान पर क्लिक करना है। अपनी वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पर लाने के लिए आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है और इस तरह से खींचकर टाइमलाइन पर ले आइए। आगे हम देखेंगे कि टाइमलाइन पर वीडियोस कैसे एडिट करते हैं। धन्यवाद।